नमस्कार। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ, आज है चैत्री नवरात्रा, प्रारंभ हो चुके हैं सन 2021। आज से ठीक 21 साल पहले की ये घटना, जिसका संबंध हमारी भारतीय सेना से रहा है। मैं बताऊंगा कि क्यों ये मंदिर है वो भारतीय सेना के आस्था का केंद्र रहा था, और क्यों भारतीय सेना ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सरहद पर स्थित इस मंदिर का निर्माण भारतीय सेना की एक रेजिमेंट के मेजर द्वारा करवाया गया। एक सपने में जब देवी जी ने दर्शन दिए और उन्हें मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। सारी घटना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस समय इस मंदिर की क्या अहमियत हो सकती है, और इस समय हमें इस मंदिर के लेकर मंदिर को लेकर क्या करना चाहिए, और आपका कर्तव्य और हमारा कर्तव्य क्या बनता है। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को फैलाना ताकि इस मंदिर के निर्माणकर्ता भी इस वीडियो को देख सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल हेल्प विद ऋषि यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसका संबंध हमारी भारतीय सेना से रहा है। न सिर्फ जिसका संबंध रहा है बल्कि जो आस्था का केंद्र रहा है उसकी हम बात करेंगे। आपने इससे पहले एक मंदिर का नाम सुना होगा, तनोट राय, जो भारत पाक सीमा पर जैसलमेर जिले में स्थित है। लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर से रूबरू कराने वाला हूँ वह बाड़मेर जिले की झड़कली ग्राम पंचायत के करणी नगर राजस्व ग्राम में एक ऐसे स्थान पर है जो जहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई इंसान जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस मंदिर की कथा कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना की दास्तान बताती है। तो आप शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। ये जो आप पीछे टीला देख रहे हैं, बात है सन 1999 की, जब भारत पाक के बीच में कारगिल का युद्ध होता है। तो उस दरमियान भारत की सारी सीमाओं पर, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर हमारी भारतीय सेना की टुकड़ियों को एक पहरेदार के रूप में बिठा दिया गया था। और ये जो टीला है, यहाँ पर भारतीय सेना की रेजिमेंट 48 वायु रक्षा रेजिमेंट को बिठाया गया था, जो लगभग यहाँ पर 1.5 साल तक रहे। उस दरमियान इस रेजिमेंट के मेजर साहब श्रीवास्तव साहब को रात को एक स्वप्न मिलता है, और सपने में देवी जी के दर्शन होते हैं साक्षात, और उन्हें आदेश मिलता है कि इस जगह देवी जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तो अगर आप मंदिर का निर्माण करवाओगे तो भारतीय सेना का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेजर साहब को इस सपने पर यकीन हो गया, और उन्होंने, आपको जो ये सामने मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर 2000 ईस्वी में चैत्र मास की नवरात्रा से पहले बनवाया था। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति प्रतिष्ठा है, वो चैत्र मास की चैत्र में नवरात्रा जब प्रारंभ होता है तो उस दरमियान ही इसमें मूर्ति प्रतिष्ठा की गई थी। और आज इस मंदिर को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण को आज लगभग 21 साल हो चुके हैं, लेकिन आज जब हम इस मंदिर की स्थिति देखते हैं तो इस मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसी स्थिति में एक और तो इस मंदिर को दिखलाने का मेरा उद्देश्य है कि जिन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है उन तक ये बात पहुँचा सके, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, अगर हम चाहें तो एक मिनट में सारे संसार में इस चीज को पहुंचा सकते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये मंदिर जिसका निर्माण सन 2000 में चैत्र नवरात्रा में किया गया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, और पते की बात यह है कि इस मंदिर का जो निर्माण किया गया, जो रेजिमेंट के सारे अफसरों ने मिलकर इसे चंदा दिया और उसके पश्चात इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये जो आप जमीन देख रहे हैं, ये किसी किसान की जमीन है जिन्होंने इस मंदिर के लिए दान कर दी थी, ताकि भारतीय सरहद की रक्षा करने वाली देवी जिसे एक स्थान मिल सके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको सीढ़ियों पर एक नाम दिखाई देता है, मीरा मुरारी आनंद उर्वशी, और यहाँ पर दोनों ओर आपको देवी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, और ये उसी समय की, आज से 21 साल पहले की लगाई हुई है, अब भी उसी रूप में हमें दिखाई दे रही है। और लोकल स्तर पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर हम इस मंदिर को दुर्गा माता जी का मंदिर कहते हैं, माँ दुर्गा का मंदिर कह के पुकारते हैं। जब जब भी कोई नवरात्रा का प्रारंभ होता है, देवी की जी की तिथि होती है, तो लोग यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन उस रूप में यहाँ पर उसकी पूजा पाठ नहीं होती है। और यहाँ पर आप मंदिर के बाईं ओर यहाँ देखोगे कि यज्ञ वेदिका बनी हुई है, और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है। और उसके पश्चात यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक शिवलिंग का निर्माण किया गया है, और
पास में एक समी का वृक्ष है जहाँ पर घंटी लगी हुई है, और पीछे आपको थोड़ा सा ले जाते हैं, वहाँ पर उस समय एक कुंड का निर्माण किया गया था ताकि जो आवारा पशु वगैरह हो वो आसानी से यहाँ पानी पी सके। और पीछे वही थली है, वही टीला है जहाँ पर हमें भी याद है आज भी यहाँ पर एक रडार लगा हुआ रहता था। और इस रेजिमेंट में रहने वाले एक पास के ही गांव के हमारे सोडा साहब हैं, खेत सिंह जी साहब, वो हवालदार थे उस समय इस रेजिमेंट में, और उन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी कि उस रेजिमेंट का नाम जो 48 वायु रक्षा रेजिमेंट है जिसका संबंध इस मंदिर से रहा है, तो वो भी इस मंदिर के साक्षी है। और इसके साथ साथ अगर अपन मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो ये यहाँ से एक अलग ही प्रकोटा बनाया गया है जहाँ पर शिवलिंग को रखा गया आप देख रहे होंगे, और इसके पश्चात यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मूल मंदिर है, और यहाँ पर आप अक्षय पेटी का देख रहे होंगे दान पत्र। और यहाँ पर आप मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको देवी जी की प्रतिमा दिखाई देगी, और ये है देवी जी की प्रतिमा, और यहाँ पर पूजा पाठ के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई है और हम इन्हें प्रणाम करते हैं। और इसके साथ साथ मंदिर की स्थिति की अगर बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, और आज भी लोग इसे माँ दुर्गा की रूप में पूजा करते हैं, लोगों का आना जाना होता है। आज नवरात्रा है तो सुबह सुबह यहाँ पर लोग आए भी हैं और इन्होंने कुछ माता की पूजा अर्चना भी की है। और उसके पश्चात जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये परिक्रमा स्थल है, यहाँ से कोई भी इंसान आसानी से परिक्रमा दे सकता है माता जी की, और यहाँ से होके जाते हैं। और इसके पश्चात अगर अपन देखें तो आसपास में आपको कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं दिखाई दे रहा होगा, और पास में आपको दिखाई दे रहा होगा ये ढाणियाँ हैं, और यहाँ ढाणियों में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। जब तक मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होगा तब तक इस मंदिर को हम उस रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि एक चीज़ अगर देखी जाए किसी व्यक्ति ने न मालूम वे व्यक्ति कौन थे, हालांकि हमारे भारतीय सेना के अफसर अवश्य थे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से कहाँ के थे वो हमें आज तक पता नहीं है, लेकिन वो अगर अपनी आस्था का परिचय देकर इस जगह पे इस मंदिर का निर्माण करवा गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को अगर हम जीवंतता प्रदान कर सके तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मंदिर के वीडियो का निर्माण करना मेरा इतना ही उद्देश्य है, एक तो इस वीडियो के माध्यम से वे लोग जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है वो हम सबके लिए आदरणीय है, वो उन तक ये बात पहुंच सके कि और उनके आज से 21 वर्ष पहले की स्मृति ताज़ा हो सके, उनकी आस्था के दर्शन एक बार फिर से हो सके, और इसके साथ साथ वे लोग जो इस मंदिर के निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाना चाहते हैं या फिर किसी भी स्तर पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भारतीय सेना का जिससे संबंध हो, भारतीय सेना जो हम सब के लिए एक रक्षक के रूप में काम करती है, वो है उनका होना ही हमारा होना है, हमारा अस्तित्व ही उन पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी जीवंतता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य ही है। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप थली देख रहे हो यहीं पर ये भारतीय सेना की वो टुकड़ी रहा करती थी, और मेजर साहब को सपने में माता जी के दर्शन होते हैं, ये चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो ज़मीन है ये जलमग्न ज़मीन है, तो ऐसी स्थिति में माता जी के जो दर्शन होते हैं उस समय मेजर साहब को ऐसा लगा था कि चारों ओर से पानी ही पानी है और ये बीच में माता जी का मंदिर है जो इस सेना की इस देश की रक्षा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सुबह उठते ही उन्होंने इस बात का प्रण लिया कि इस जगह पे मैं मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। न सिर्फ उन्होंने बल्कि उस समय की जो रेजिमेंट थी सबने इसमें सहभागिता निभाई और उन सबके प्रयास से इस मंदिर को अमली जामा पहनाया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो नेक काम किया है उसे हम जीवंत रख सके, उन्हें उसे आगे भी इसी प्रकार से बरकरार रखें, तो ऐसी स्थिति में हमें इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सबके इसको लेकर क्या ख्याल है, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि उन लोगों तक जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाई है, जिन्होंने इस देवी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, श्रद्धा के साथ इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उन तक ये बात पहुंच सके, तो इसी के साथ धन्यवाद।